क्यों आई यहां पे आप? अपने घर आई हूं अपने बेटे से मिलने। और जो लोगों को कहा है आपने जो किरण का रिश्ता लेने आए थे कि ये लोग मोहल्ले में ठीक नहीं है, वो सब क्या था? ओफो, मेरे पहुंचने से पहले मेरी शिकायतें भी यहाँ पहुंच गईं। वो लड़की तुम्हें एक एक पल की खबर देती है क्या? अब तो उसका रिश्ता कहीं और हो रहा है। अम्मा, किस किस्म की औरत है आप यार? किस किस्म की औरत है? इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया आपने। किरण ने मुझे कुछ नहीं बताया, मेरी तो अफशा आंटी से। अच्छा, बात चाहे माँ से हो या बेटी से, वो दोनों तुम्हारे पीछे तो पड़ी है ना? वो मेरे पीछे नहीं पड़ी है, मैं उनके पीछे पड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पीछे पड़े। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने किरण की माँ को इतना डरा दिया कि उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। आपको उस पे भी एतराज है? क्यों? मुझे क्या पड़ी है? मेरी तरफ से वो कहीं भी उसका रिश्ता करे, मोहल्ले में मुझसे जो भी पूछेगा मैं तो सच सच कह दूंगी ना, जो सच होगा। सच? जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है सब समझ आ रहा है मुझे। अल्लाह के अजाब से डरे प्लीज। फवाद, सिर्फ ये बातें सोच रही है। बड़ी, वो पीछे वाले घर से लड़ने की आवाजें आ रही है। जानती हूँ, पता करवा। लड़के की माँ को लेकर आओ मेरे पास। जी। अब मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, आप जाएं यहाँ से प्लीज। अपनी माँ को घर से निकालेगा? अपने ही घर से? ठीक है, तो आप अपने घर में रहिए, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। पागल हो गए हो तुम? लावारसों की तरह हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, लोग क्या कहेंगे? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल में भी रह लूंगा। फवाद, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उन लोगों को, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और वो लोग भी तो वही रिश्ता कर रहे हैं ना, पूरे मोहल्ले से मालूम देते फिर रहे वो लोग। अच्छा ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, तुम रह लो यहाँ पर। फवाद, बेटा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटा। जैसे मैं रहूंगा किरण के बगैर। सुने, आप नए किराएदार हैं ना? जी हाँ। हम आपके पीछे वाले घर में रहते, समझे कि हम आपके पड़ोसी हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप हमें जरूर बताइएगा। अभी तो हम लोग इस घर में पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुए, अभी तो मेरा बेटा ही यहाँ पर रह रहा है। हमारा सामान तो अभी भी पुराने वाले ही घर में है। अच्छा, अब हम दो बहने हैं, मैं छोटी बहन जहारा और मेरी बड़ी बहन आलम आ रहा है। हम लोग दम दरुक करके लोगों का रूहानी इलाज करते हैं। अच्छा, आपको कोई भी मसला हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। अभी तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अगर कोई मसला हुआ तो जरूर आपसे रब्ता कायम करूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आप, अच्छा, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। Thank you.
किरण, बेटा मैंने चाय बनाई है, पियोगी? मेरी गुड़िया, जब कोई रास्ता चुन लो तो फिर सोचो मत, पीछे मुड़कर मत देखो कि तुमने क्या खोया, क्योंकि जो तुमने पाया बस वही तुम्हारा था। अम्मी, आपको याद है जब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, आपने मुझे कहा था कि तकलीफ 2 दिन तक रहेगी और फिर 3rd दिन खुद आराम आ जाएगा। आपकी बेटी बहुत प्रैक्टिकल है अम्मी। मैंने फवाद को अपने आप से बहुत बहुत बहादुर के साथ अलग किया, लेकिन तकलीफ 2 दिन पर तो रहेगी ना। कैसे हमदर्द होता है इंसान, कितना सारा प्यार होता है इनके दिलों में। हम तो बस इशारों पर चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुलामी कर सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते। हम प्यार क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें प्यार हो जाए तो। किरण, किरण ये देखो तुम्हारे ससुराल से कितने खूबसूरत जोड़े आए, अच्छे है ना? ये भी देखो ना, thank you.
हाय कमबख्त, काश मेरी मखलूक में से होती। खालिद, तुमने फवाद को समझाया? क्या समझाऊं उसे, समझने की जरूरत तो तुम्हें है। क्या मतलब है तुम्हारा? अपना घर बार होते हुए वो अकेला अलग कैसे रह सकता है? मैंने बात की है उससे, वो कहता है कि मैं हरगिज अम्मा के साथ नहीं रहूंगा। वो उस चुड़ैल के साथ रहेगा, और उसके साथ भी कैसे रह सकता है? उसकी अब शादी होने वाली है। रशीदा, तुम्हें अगर अपने बेटे से मोहब्बत थी तो बेटे की मोहब्बत का भी ख्याल रख लेती। क्या बुराई क्या है उस लड़की में? अब तुम भी उसका नाम लेने लगे हो। मेरे बच्चे को तो मुझसे अलग करवा दिया उन्होंने। पता नहीं कौन सा तावीज घोलकर पिला दिया उन दोनों माँ बेटियों ने कि वो मुझसे नफरत करने लगा है। कोई तो तोड़ होगा ना उस तावीज का कि मेरा बेटा मुझसे फिर से मोहब्बत करे, मेरी बात माने। अल्लाह, बस तुम्हारा तो अल्लाह ही निगहबान है। खालिद, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? हम लोग दम दरुद करके लोगों का रूहानी इलाज करते हैं। अच्छा, आपको कोई भी मसला हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। हेलो हेलो, मैं आ गया हूं। तो आज का शो शुरू करें भाइयों। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप नाराज हैं मुझसे। मैं शायद बात करने के मूड में नहीं हूं। हाय, काश के हम बात कर सकते सर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम कुछ रेस्ट कर लेते हैं, शायद आप लोगों का मूड बन जाए। ये क्या साहब, सोने लगे? अभी तो आए हो। कम अज कम मिली जगह ही छोड़ दो साहेब। अच्छा ठीक है, अगर बात नहीं कर सकते तो मत करो, कम अज कम टीवी देख लो। मैं वादा करती हूँ चैनल चेंज नहीं करूंगी। यहां बैठे हैं? बैठा नहीं, बैठी हूं साहेब।
बड़ी हुँ? आपने वो वजीफा फिर से शुरू कर दिया। छोटी, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने तुम्हें कब इजाजत दी थी कि मेरे मामलों में बात करो। ये मेरा काम है और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि इसे किस तरह करूं। बड़ी, अब्बा हुजूर नूरानी इल्म किया करते थे और उन्होंने एक से ज्यादा मौकिल भी कभी नहीं रखा और कभी लोगों को जानबूझकर तंग करके अपने तावीज भी नहीं बेचा करते थे। अब्बा हुजूर तो हकीम भी थे, मुसन्निफ भी थे, उनके पास जरिए माश और भी थे। अगर मैंने ये सारा काम खत्म कर दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। बड़ी, आप तो मुझे घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देती। मैं स्कूल में जॉब कर सकती हूँ, मैंने बीए किया हुआ है। तो ठीक है, शाबाश, जरूर जाओ, बाहर निकलो, जॉब करो, ताकि सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाए। लोग हम पे इसलिए एतमाद करते हैं छोटी, क्योंकि हम आम नहीं हैं। अगर हम भी आम लोगों की तरह जाकर बाहर खुलेंगे, मिलेंगे, तो हमें और आम लोगों में क्या फर्क होगा। जाओ देखो। मैं तो परेशान ही हो गई थी, कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गई। आप बिल्कुल सही घर पे आई। आपके घर के पीछे वाला घर तो है, आप अंदर चले, मैं हजरत बीबी को बुलाती हूँ। Excuse me. जी। हाय, मैं किरण की फ्रेंड हूँ। आप यहाँ कैसे? मैं तो जी इधर ही नौकरी करता हूँ, डॉक्टर हूँ। आप सब ठीक है? जी सब ठीक है, मेरे अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो बताइएगा कुछ जरूरत किस चीज की। असल में आपसे पूछने का मकसद ये था कि आज तो किरण की मंगनी है, तो आप यहाँ? I'm so sorry. मुझे लगा किरण की मंगनी आपसे हो रही है। Really sorry. Don't be. Don't. I should go. बस हजरत बीबी, कुछ ऐसा कर दें कि मेरे बेटे के दिल और दिमाग से वो चुड़ैल निकल जाए। आप फिक्र क्यों करती हैं रशीदा बेगम, हमने बड़े बड़े इश्क के भूत निकाले हैं, ये तो मामूली सी बात है। हजरत बीबी, आप मेरा ये काम कर देंगी ना, तो मैं आपके कदमों में दुनिया जहां की दौलत के ढेर लगा दूंगी। वैसे बीबी, हम लोग इतने अमीर तो है नहीं, लेकिन जहां मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ ना, वो लोग बहुत अमीर है, साबे हैसियत है। वो मेरी बहन है और वो इस कार्य खैर में हमारी मदद जरूर करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हजरत बीबी के पास मौके हैं, आपका काम करना उनके बाएं हाथ का खेल है। मेरी माने तो आप इधर ही आ जाए, फासले रिश्तों को खराब करते हैं। जैसा भी है, बेटा है आपका और माँ बेटे के रिश्ते से मजबूत कोई रिश्ता नहीं। बस यही तो समझाना है फवाद को कि वो वापस घर आ जाए। फिक्र मत कीजिए, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उससे बहुत मोहब्बत करता है। बस उन दोनों माँ बेटियों ने मेरे बेटे के दिल में मैल डाल दी है मेरे खिलाफ।
सारा मैल धुल जाएगा। बस आपने सब्र करना है। आप मुझे बताएंगी कितना हदिया होगा आपका? हदिया? नहीं नहीं रशीदा, जब तक हम काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं करते हम हदिया नहीं लेते। और वैसे भी आप तो हमारी पड़ोसन। यही तो अच्छे लोगों की निशानी है कि उन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा है। आप जब आप अपने बेटे को मिले तो ये तावीज अपने हाथ में दबा कर रखें। लेकिन एक बात है, अगले 4-5 दिन आप अपने बेटे से नहीं मिले। हमारा मौकल तब तक उसको नरम करेगा आपके लिए। कुछ काम मौकल करेगा और बाकी काम ये तावीज। अब आप जा सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक ये अमल जारी है आप गोश्त, कच्ची तरकारी, फल कुछ नहीं खा सकते। बिल्कुल सादा खाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किरण, किरण बेटा जल्दी आओ ना नीचे। देखो मेहमान आ गए, नजमा अभी तक नहीं आई। मैं जा रही हूँ, बैठी हूँ मेहमानों के पास ड्राइंग रूम में। क्यों परेशान हो रही है? मैं नजमा खाला को फोन कर रही थी। बिल्किस खाला आ गई? हाँ अब वो आ गई, मैं उसे ड्राइंग रूम में बिठा के आई हूँ। अच्छा तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। क्या बात है? हमारी बेटी कहाँ है? पता नहीं, शायद तैयार हो रही होगी, मैं बुलाती हूँ। हालांकि उसे जरूरत नहीं है तैयार होने की, माशाल्लाह इतनी प्यारी है वो। हो सकता है किसी और काम में लग गई हो, देर हो रही है ना, मैं खुद बुला के लाती हूँ उसे। बहुत जल्दी हार मान गई तुम तो यार। लेकिन मैं लड़ूंगा आखिरी वक्त। क्या हुआ अगर हालात आज मेरे मुखालिफ है? मैं अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती। मेरा दिमाग तो खराब नहीं होंगे? मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मेरी मंगनी है आज, सारे मेहमान मेरे घर पे बैठे हुए। दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। और देखो जरा हैरान भी हो रहा हूँ कि तुम तो इतनी जल्दी हार गई। मुझे देखो, देखो मेरी आंखों में, अपने अम्मा अब्बा तक छोड़ दी, वो उस वीराने में जाके रहने लगा। अपनी अपनी जान की भी परवाह नहीं की मैंने, किसके लिए? हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, वो लोग मुझे पसंद कर चुके हैं। कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ हो सकता है अगर तुम चाहो तो, अगर तुम चाहो तो। मना कर दो उन्हें। कैसे मना कर दूं? क्या जवाब दूंगी मैं अपनी अम्मी को? बिल्किस खाला क्या बोली? सारे मोहल्ले को पता है कि मेरी आज मंगनी है। ठीक है ठीक है, हम कोई भी बहाना कर देंगे, हजार बहाने होते हैं। बस तुम कह दो कि तुम्हें कोई पसंद है, जान छुड़ाओ उनसे प्लीज। सब कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज। किरण आई अम्मी। खुदा के लिए फवा, खुदा के लिए अभी और इस वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना वो सारे इल्जाम सच हो जाएंगे जो तुम्हारी अम्मा ने मुझ पे लगाए। प्लीज मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। ठीक है चला जाता हूँ, लेकिन वादा करो तुम उन्हें मना करोगे। नहीं फवा, मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती। और अगर अभी अम्मी ने यहाँ तुम्हें देख लिया ना तो मैं अपनी जान दे दूँ। क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मुझसे? हाँ,
नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगी तुम? जी अभी किरण, अच्छा मैं खुद ही बुला के ले आती हूँ। काम करना चाहती हूँ, मुझे हमारी अम्मा ने भी यही किया था, तो ठीक है कर दो बदनाम तुम मुझे। तुमसे मोहब्बत करने की कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए। बदनाम नहीं, बदनाम करूंगा तुम्हें यार, I think so। ये बात तो तय है किरण, ये बात तो तय है कि मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि मैं किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। रिश्ते करने हैं तुमने, 10 रिश्ते करो, एक आध मंगनी भी कर लो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। चलो बेटा जल्दी नीचे बोलो। क्या बात है, ये उदासी क्यों? कुछ नहीं अम्मी, आपको छोड़ के जाने का सोचा नहीं था कभी। उन लोगों के सामने जाते हुए ऐसा लग रहा है कि वो लोग ना मुझे आपसे छीन के लेके जा रहे हैं। अरे मेरी गुड़िया, भला किसी की मजाल जो मुझसे मेरी बेटी को छीन ले, हो ही नहीं सकता ऐसा। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तो हर बेटी के लिए ना उससे जाना होता है। बस अब उदासी खत्म, मुस्कुराते हुए नीचे चलो। डॉक्टर फहद आप कहाँ चले गए थे बगैर बताए? डॉक्टर अमजद आपको कब से ओटी में बुला रहे हैं, वो बेड नंबर 3 का पेशेंट है ना, उसकी हालत इतनी क्रिटिकल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज जल्दी चलिए, जल्दी आए प्लीज। कहां थे आपको पता है हमारे स्टाफ के 2 डॉक्टर्स छुट्टी पर हैं, मैं इस गैर जिम्मेदारी की वजह जान सकता हूं? सर एक एमरजेंसी हो, हॉस्पिटल की एमरजेंसी भी आप ही की जिम्मेदारी है डॉक्टर फवाद। पेशेंट का अपेंडिक्स पंक्चर हो गया था, ही कुड हैव डाइड इफ आई वाज नॉट हियर। रियली सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। Marley is out of danger now। आप आज रात पेशेंट के साथ स्टे करेंगे, उनको SVT भी है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं नर्सिंग स्टाफ पे भरोसा नहीं कर सकता। थैंक यू। देखा किरण, सब कुछ माशाल्लाह साथ खैरियत के निमट गया, रशीदा के लाख बुरा चाहने के बावजूद भी हम लोग उन्हें पसंद आ गए। पता नहीं रशीदा आंटी मुझसे क्यों इतनी नफरत करती हैं। अब दफा करो, मनहूस लोग होते हैं ऐसे भाई, दूसरों को तकलीफ देके खुश होते हैं,
वो अपने बेटे का बदला ले रही है हमसे। समझ रही है कि हमने उसे उकसाया इस जिद पे। खैर समझती है तो समझती रहे, हम क्या करें। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अम्मी हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करनी है। जब आप लोग नीचे ड्राइंग रूम में थे ना और मैं अपने रूम में, हाँ जब तुम तैयार हो रही थी कमरे में, तो तब फवाद आया था। पता नहीं क्या हो जाता है, मैं वो वसीफा मुसलसल पढ़ ही नहीं पा रही। किनौत अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हजरत बीबी। मैंने कहा था ना, वो इतनी आसानी से काबू नहीं आएगा। देखेंगे उसकी ताकत ज्यादा बड़ी है या मेरी हिम्मत। तो मुझे पड़ोस के लड़के के बारे में बताओ। वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है हजरत बीबी। मोहब्बत को नफरत में बदल दो। उसकी माँ उस जोड़े के साथ सरासर जुल्म कर रही है हजरत बीबी। दिलनवाज, तुम ये सारी बातें कब से सोचने लगी? जैसा कह रही हूं वैसा करो। जो आपका हुक्म हजरत बीबी। लड़के के जहन से लड़की का ख्याल तक मिटा दो। दिलनवाज, मोहब्बत को तो मोहब्बत से ही काट सकते हैं। उस लड़के के दिल पे कब्जा कर लो। जी हजरत बीबी। हाँ लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, अपना सबसे पुरअसर जादू इस्तेमाल करो। कुछ ऐसा कर दो कि वो लड़का तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ना सके।